चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के भाजपा प्रत्याशी हंसराज हंस ने एक सभा को संबोधित किया और इस सभा में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के भाजपा प्रत्याशी और जाने माने पंजाबी गायक हंसराज हंस ने पीरागढ़ी गांव में एक सभा को संबोधित किया। बीजेपी के पिलर, बीजेपी की बुनियाद, बीजेपी की ऊर्जा हमारे कार्यकर्ता है। बीजेपी ऐसी चीज, ऐसी पार्टी नहीं है कि जब वक्त आए इनको बताया जाता सोचो ही ऐसा, इतना सोच लो कि उस वक्त सोचने की जरूरत नहीं ना पड़े। तैयारी इतनी कर लो तो तैयारी कर, जैसे आर्मी को रोज प्रैक्टिस कराई जाती है, एक शूरवीर वॉरियर घोड़े की कैंप पे भी सो लेता है, ऐसे हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता है। आपको बता दें कि ये जनसभा पीरागढ़ी वार्ड नंबर 50 के निगम पार्षद विनय रावत के दफ्तर में रखी गई, जिसमें सैकड़ों लोग हंसराज हंस को सुनने के लिए पहुंचे थे। पूरे देश में चुनावी घमासान लगातार चल रहा है, आज हम पहुंचे हैं पीरागढ़ी में। यहाँ वार्ड नंबर 50 से निगम पार्षद विनय रावत जी हमारे साथ हैं। आज देख रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रोग्राम कोई चल रहा है, क्या उद्देश्य, क्या प्रोग्राम चल रहा है? ये हमारी पार्टी के प्रत्याशी का यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम है पीरागढ़ी गांव में, और आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो स्वागत करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज कोई रैली का कार्यक्रम, हंसराज हंस जी आने वाले? हंस से अभी दो कार्यक्रम में अपना नांगलोई में था, उसमें उनके समर्थन में और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो आज क्या संदेश आप देशवासियों को देना चाहेंगे? देशवासियों ने पूरा मन बना रखा है, देशवासियों को संदेश की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री स्थापित करना चाहते हैं और देश को विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं। विनय जी, एक वक्त था जब जो स्टार हुआ करते थे वो प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन आज सभी पार्टियां टिकट दे रही हैं, क्या इससे चुनावी मैदान है उसमें कोई फ़र्क आने वाला है? नहीं, जो स्टार प्रचारक हैं वो पब्लिक के अंदर पॉपुलर होते हैं और समाज के लिए वो केवल जिस अपना, जैसे कोई फिल्म स्टार है या कोई गायक है तो केवल गायक या फिल्म स्टार ही नहीं है, वो समाज के लिए भी समय समय पर बहुत सारा काम करता है। वो समाज के लिए जो काम करता है तो उनके कामों को याद रखते हुए और समय आने पर उनको अपना देश की जनता की सेवा करने का मौका दिया जाता है। जी, आपकी लोकसभा की बात करें तो क्या कुछ इश्यूज़ आप लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? हंसराज हंस को किन इश्यूज़ पर आप सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी जी के नाम पर लोगों ने मन बना रखा, मोदी जी की जो नीतियाँ रही हैं देश को विकास की तरफ ले जाने की नीतियाँ रही हैं उन, तो उसी के पक्ष में मोदी जी को पुनः उसके प्रत्याशी, मोदी जी की को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए जनता ने मन बना रखा। हंसराज हंस ने कहा कि मोदी के राज में वो सब विकास के कार्य हुए हैं जो पिछले 60 सालों में कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। जी, अपनी आवाज के दम पे तो आप करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करते हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लोगों को कितना प्यार मिल रहा है? बहुत प्यार मिल रहा है, छोटी सी बैठक रखते हैं रैली बन जाती है, शुक्र है मालिक का। मान लीजिए जीत का, जनता जीत का ताज पहना भी देती है तो क्रेडिट किस है, मोदी को जाएगा या हंसराज हंस को जाएगा? बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं को और ऑनरली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी को और उनकी जो उन्होंने क्रेडिबिलिटी बनाई है उसको। अभी आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, किन इश्यूज को लेकर जा रहे हैं, किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? सबका साथ सबका विकास। और उदित राज जी जो थे उनके वोटर्स तो आपसे नाराज होंगे? अभी तक तो नाराजगी हुई, और बीजेपी कार्यकर्ता बहुत पक्के हैं, जो हेड ऑफिस जो पार्टी डिसाइड करती है उसको मानते हैं। केजरीवाल को जो थप्पड़ पड़ा है वो केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, कह रहे हैं उनकी साजिश है। मुझे तकलीफ होता है लेकिन केजरीवाल साहब को चाहो, उसने मेरा धर्म ही बदल दिया। वो यार इतना, यानी ऐसा ये उसका ये लेवल आ गया, मैं बेचारा गरीब, मेरे से उसका क्या कंपटीशन? जो ऐतिहासिक जीत 2014 में मिली थी, क्या यानी इस लेवल पे आ गया वो? मैं तो सोचता था मेरे जैसे को जानता भी नहीं होगा। तू ये बात करो गाता कैसा है, तू ये बात कर अब तू कैसा, तू ये बात कर पद्मश्री मिला, अब अब्दुल कलाम साहब से मिला, तू ये बात कर अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता, वो मेरे धर्म के बारे में बात कर रहे हो। आखिरी सवाल, दिल्ली में कितनी सीटें मिलने वाली हैं? साथ की साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मौके पर हंसराज हंस ने कुछ महिलाओं की फरमाइश पर गाने भी सुनाए।
ऐसी बीजेपी की चली है हवा, ऐसी बीजेपी की चली है हवा, मोदी सरकार बनेगी, घर घर से घर घर से घर घर से ये आती है सरकार, मोदी सरकार बनेगी, मोदी सरकार बनेगी, फिर एक बार बनेगी, फिर बार बार बनेगी, सबका विकास और सबका है साथ की, पहले कैसे रख देना सिर पे हाथ जी, सबका विकास और सबका है साथ की, पहले कैसे रख देना सिर पर हाथ जी, फूल कमल का पटल दबा। कैमरा जर्नलिस्ट तोनियोत के साथ दिल्ली से परवीन की रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें